बड़ी खबर पश्चिम बंगाल की राजनीति से आ रही है। बड़ी खबर यह है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ेंगी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी आज उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेगी। सभी 42 लोकसभा सीटों पर टीएमसी नामों का ऐलान करेगी और टीएमसी ने साफ कर दिया है कि वो किसी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेगी। जैनेन्द्र हमारे साथ जुड़ गए। जैनेन्द्र, टीएमसी ने अकेला चलो का तय कर लिया है कि वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे? पीछे तो बातचीत कांग्रेस के साथ टीएमसी की चल रही थी, लेकिन उस पर कभी भी बात नहीं बन पाई, क्योंकि हमेशा से ही तृणमूल कांग्रेस जो है वो कांग्रेस पार्टी को दो से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं थी और कांग्रेस कम से कम 5 से 6 सीटें चाहती थी। बहरहाल इंडिया गठबंधन अब जाहिर सी बात है कि पश्चिम बंगाल में बिखर चुका है और आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में तृणमूल कांग्रेस की बड़ी रैली है, जिसमें कि टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की जो सभी 42 लोकसभा की सीटें हैं सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान करने जा रही है। तो बड़ी खबर यही है कि टीएमसी की पहली सूची आ जाएगी और एक ही साथ पश्चिम बंगाल के सभी 42 सीटों पर टीएमसी अपने उम्मीदवारों का ऐलान करने जा रही है। बड़े नामों की अगर बात करें तो डायमंड हार्बर से अभिषेक बनर्जी जो महासचिव है पार्टी के और ममता के पास दूसरा सबसे बड़ा चेहरा है, उनका नाम हो सकता है। और जहां एक तरफ टीएमसी की लिस्ट जा रही है, वहीं दूसरी तरफ यह अब साफ हो गया है कि पश्चिम बंगाल में अब इंडिया गठबंधन का कोई स्वरूप नहीं रहने वाला है। देखना यही होगा कि अब कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति रहती है। जी धन्यवाद जैनेन्द्र आपका जानकारी देने के लिए, अपडेट्स को देने के लिए। ABP News आपको रखे आगे।